हेलो। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आज हम यहाँ पर कुछ और प्रश्नों को लेकर उपस्थित हैं, जिसमें मानव शरीर यानी कह सकते हैं मानव क्रिया और विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें ह्यूमन बॉडी सिस्टम से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के प्रसंचरण तंत्र हो गए, और कंकाल तंत्र, जनन तंत्र और अन्य प्रकार के से संबंधित आने वाले प्रश्नों का हम यहाँ पर रिविज़न करने जा रहे हैं। तो चलिए आज का अपना प्रश्न देखते हैं। आप सभी यहाँ पर तैयार रहिएगा, क्वेश्चन आपके समक्ष आएगा, आपको एक एक करके आंसर यहाँ पर सबमिट करना है और उसके माध्यम से आपको रिवीजन करना है। चलिए आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम। तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाले तत्व के बारे में बताइए कौन सा है इसमें से, ए बी सी डी। जल्दी इसका आंसर बताइए। चलिए आंसर यहाँ पे देखते हैं। मानव शरीर में अधिकतम पाया जाने वाला जो तत्व है वो आपका आंसर है डी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मानव शरीर जो है प्रधान रूप से इसमें छह तत्व पाए जाते हैं जी। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट हैं बड़े हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। मानव शरीर के भाग का करीब 65% ऑक्सीजन, 18% कार्बन डाइऑक्साइड, 3% नाइट्रोजन, 14.4% कैल्शियम और 1.1% आपका फास्फोरस होता है। तो आंसर सभी लोग करंट टिक कर लीजिए। अब पहले का आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर टू, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? ओपन हार्ट सर्जरी, मुर्दा प्रत्यारोपण, या सॉरी यहाँ पे गुदा जिसे हम कहते हैं, गुर्दा यानी कि आपका किडनी प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन या रुधिर आधान। तो शल्य क्रिया या एंजियोप्लास्टी आर्थोप्लास्टी क्या है? ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर टू, चलिए आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू का। टू का देखिए आंसर है आपका सी है। क्या है आंसर यहाँ पर, देखिए सभी लोग टिक कर लीजिए। आंसर है आपका सी, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ के प्रतिस्थापन से संबंधित है, जिसका तत्व होता है जोड़ के निर्माण आर्थोप्लास्टी का। इसका उद्देश्य दवाइयों से छुटकारा दिलाना, चलने की क्षमता को ठीक करना, मांसपेशियों की शक्ति में सुधार करना, साथ ही अंतर आर्थराइटिस या अन्य कारण निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन यहाँ पर इस क्रिया के अंतर्गत किया जाता है। तो आंसर है आपका सेकेंड का आंसर सभी लोग टिक कर लीजिए, आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर थ्री, प्रत्यस्थ इलास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं स्नायु यानी कि लिगामेंट, तंतुमय ऊतक, फाइब्रेन, मांसपेशीय ऊतक। तो क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर बताइए, ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर तीन, चलिए आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन का। सभी लोग यहाँ पर टिक करेंगे। थ्री का आंसर आपका ए है। लिगामेंट एक प्रत्यस्थ ऊतक है जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है। लिगामेंट हड्डियों की अन्य हड्डियों के साथ यहाँ पर जोड़कर निर्माण करता है। आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, सूची एक और सूची दो को सम्मिलित कीजिए और सही कूट का यहाँ पर प्रयोग करिए। पहला उरोस्थ, जत्रक, जानुफलन, स्कंदफलन यानी नी, कॉलर बोन, शोल्डर, ब्रेस्ट बोन, और सूची का है यहाँ पर देखिए प्लेलकल यानी कि पैटेला, स्कैपुला, स्टर्नम। तो आपको ये मिलान करना है। कूट देख लेते हैं यहाँ पर। पहला है 4132, बी है 1422, 1423, सी है 1423 और डी है 4123। तो आंसर बताइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर क्या है, ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर फोर, चलिए मिलान करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर सभी लोग। क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर है आपका डी। देखिए यहाँ पे जो मिलान है आपका देख सकते हैं, स्कंद फलक, स्कैपुला, जानु फलक यानी नी कैप, पैटेला, कॉलर बोन, क्लेविकल और ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम। तो उत्तर नंबर यहाँ पर डी है। क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर आपका डी है। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं, मानव शरीर कथन है आपका, कथन और दो कथन यहाँ पे दिए हुए हैं, कथन और कहा तो बताना ही है। मानव शरीर से में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा, यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए का सही कारण है। ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही कारण नहीं है। सी ए सही है, आर गलत है। डी ए गलत है, आर सही है। क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर बताइए, ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है?
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखिए, यहाँ पे आंसर है आपका सी है। क्या है आंसर? सी है। क्यों सही है? यकृत से पित्त की थैली में पित्तरस पहुँचता है जो वसायुक्त भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण निभाता है। यकृत वसा पाचक एंजाइम नहीं उत्पन्न करना है, तो आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 6, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ, ए बैक्टीरिया, बी डीएनए, सी एंजाइम, डी प्रोटीन्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए, एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, चलिए आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सभी लोग मिलान करेंगे, आंसर है आपका सी। ठीक है, जैविक क्रिया देखा जाए तो एक तरह की रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये सभी एंजाइम्स में प्रोटीन भी होते हैं। और बहुत से कार्बनिक पदार्थ अगर देखें, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और वसा, को ये क्या करता है, एक सरल अणुओं में परिवर्तित करने की क्रिया जो होती है किसके द्वारा संपन्न की जाती है? एंजाइम के द्वारा। तो आंसर सभी लोग टिक करेंगे, सी है आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है, पहला पित्त अम्ल, दूसरा लाइपेज, तीसरा पेप्सिन। इनमें से देखिए केवल एक सही है, केवल एक और तीन सही है, केवल एक और दो सही है, एक दो तीन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए, एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, सभी लोग टिक कर लीजिए, आंसर 7 का आंसर है आपका सी। हमारे भोजन में सामग्री में अधिकांश लिपिड्स सरल वसाओं में होते हैं, ट्राइग्लिसराइड के रूप में। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एक एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका होती है, साथ ही यह लिपिड्स को वसी अम्लों और मोनोग्लिसराइड में विखंडित करता है। ठीक है, तो दो पार्ट में वसी अम्लों मोनोग्लिसराइड में लिपिड्स को विखंडित करता है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का इमल्सीकरण करता है और पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ध्यान रखिएगा, प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम काम करता है? पेप्सिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एंजाइम तथा उसके कार्यों के सही जोड़े का चयन कीजिए। अम्लीय फास्फेट सूत्रकणिका चिन्हक किण्वन जो ऑक्सीकारक कार्यों से संबंधित है, बी ई कोलाई प्रतिबंधित एयू न्यूक्लियस 2 जो डीएनए को विशिष्ट सीलों पर काटने के लिए है, एक्रोसिन अंडे के कार्टिकल कणों द्वारा स्त्रावित जो बहुशक निषेचन को रोकता है, डी सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम जो उपापचयों का जल अपघटन करता है। तो सही जोड़ा कौन सा है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए, एबीसीडी में कौन सा सही है? चलिए आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, सभी लोग यहाँ पर टिक करेंगे, आंसर है आपका बी है। ठीक है, ईकोलाई बैक्टीरिया से स्त्रावित एक एंजाइम ईकोलाई से जो एओ न्यूक्लियस 2 या ईको आर 2 डीएनए को विशेष स्थलों पर काटने के लिए प्रयुक्त करते हैं, तो आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए, मानव शरीर सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम है। कथन आर, मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेस विद्यमान रहता है। नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए, ए आर दोनों सही हैं, ए सही स्पष्टीकरण आर है, ए आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, सी ए सत्य है, आर असत्य है, एस असत्य है या आर सत्य है। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएं। चलिए आंसर टिक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप सभी का है, टिक कर लीजिए, बी है। ठीक है, मनुष्य के पाचन तंत्र के सेल्युलोज को पचाने वाले एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, परंतु स्टार्च अपघटक एंजाइम लायर डायस्टेस जो स्टार्च को माल्टोस में तोड़ता है, मनुष्य की लार में भी यह होता है, अतः दोनों कथन सही हैं, परंतु डायस्टेस की वजह से सेल्युलोज का पाचन नहीं होगा, यह तर्कसंगत नहीं है, अतः दूसरा कथन पहले कथन की व्याख्या नहीं करता है, तो आंसर है आपका बी। चलिए सूची 1 और 2 को फिर से आपको सम्मिलित करके सही उत्तर का चयन करना है। पहला देखिए सूची में दिया हुआ टाइलिन, पेप्सिन, रेनिन और ऑक्सीटोसिन। दूसरी सूचियों में देखिए, पहला दिया है रक्त में एंजियोटेसिनोजिन और एंजियोटेसिन में बदलता है, स्टार्च को पचाता है,
तीसरा प्रोटीन को बचाता है, चौथा वसाओं को जल अपघटित करता है, और पांचवा स्मूथ मसल्स को सिकुड़न के लिए प्रेरित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है, कूट देख लेते हैं। पहला है 2 3 1 5, बी है 3 4 2 5, सी है 2 3 5 1 और डी है 3 1 2 4। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए एबीसीडी में, इसका राइट आंसर क्या है। चलिए आंसर चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। 10 का आंसर सभी लोग टिक कर लीजिए, आंसर है आपका ए। यदि आपने यहाँ पर ए टिक किया है तो ये सही है। टाइलिन स्टार्च को पचाता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, रेनिन को देखें तो रक्त में सिनोसिस को एंजियोटेंसिस में बदलता है, और ऑक्सीटोसिन जो होता है स्मूथ मसल्स को सिकुड़ने में प्रेरित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कॉलम ए और कॉलम टू को सुमेलित कीजिए और कूटों का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। कॉलम ए द्राक्ष शर्करा, फल शर्करा, दुग्ध शर्करा, चीनी, सीविया। कॉलम टू में फ्रक्टोज, सुक्रोज, प्राकृतिक स्वीटनर, ग्लूकोज, लैक्टोज। ए है 1 4 3 1 1 4 3 2 और 5 होना चाहिए। इसके बाद है बी में 1 3 4 5 2, तीसरा है 4 1 5 2 3 और डी है 1 4 5 3 2। तो आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा राइट आंसर है इसमें से, ए बी सी डी में इसका राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 11। चलिए आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। 11 का आंसर सभी लोग मिलान करेंगे, आंसर है आपका सी है। ठीक है, द्राक्षा शर्करा ग्लूकोज में होती है, फल शर्करा फ्रक्टोज में होती है, दुग्ध शर्करा लैक्टोज में होती है, चीनी सुक्रोज और स्टीविया प्राकृतिक आपका स्वीटनर कहलाता है। तो उत्तर आपका है सी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से वाला रोग कौन सा है, कैल्सिफेरॉल अस्थिरुग्णता, नियासिन पेलाग्रा, कोबाल्मिन सांकेतिक रक्त अल्पता, राइबोफ्लेविन बेरीबेरी। क्वेश्चन नंबर 12 का ए बी सी डी में से राइट आंसर यहाँ पे कौन सा है, कौन सा इसमें से कौन सा रोग है जो सुमेलित नहीं है। चलिए आंसर चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप सभी लोग मिलान करिए, 12 का आंसर है आपका सी। बेरीबेरी जो रोग है विटामिन बी ए वन की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम आपका थायमिन है। अन्य सभी विकल्प यहाँ पर सुमेलित हैं। राइबोफ्लेविन विटामिन ए का रासायनिक नाम है, जिसकी कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। तो आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है, सही उत्तर का चयन करना है। सूची ए में है विटामिन सी, फोलिक अम्ल, विटामिन ए, बी वन। सूची 2 में है होने वाले रोग रतौंधी, बेरीबेरी, रक्त अल्पता, स्कर्वी। कूट क्या कहता है, ए है 4 3 1 2, बी है 2 3 1 4, सी है 4 3 2 1 और डी है 1 2 4 3। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है। चलिए आंसर चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का, आसान सा है। तो आंसर सभी लोग, पहले तो आंसर आपका ए है। ठीक है, विटामिन सी कमी से आपको स्कर्वी होता है, फोलिक अम्ल से रक्त अल्पता, विटामिन ए रतौंधी और विटामिन बी वन बेरीबेरी नामक रोग होता है। तो आसान सा प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर देख लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए, उनके नीचे दिए गए उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। विटामिन है रेटिनॉल, टोकोफेरॉल, साइकोकोबाल एमिन और पाइरीडॉक्सिन। रोग देख लिए तो यहाँ पर आपको है घातक रक्त अल्पता, मानसिक व्याधि, नेत्र सुख का जो रंग है वो लाल होना और बंधता। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है। सूची को सुमेलित करें, विटामिन किस विटामिन कमी से कौन सा रोग होता है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए।
चलिए आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सभी लोग मिलान करेंगे, आंसर है आपका बी है। रेटिनॉल, जिसमें आपका जो नाक और आंखों का जो रंग है वो लाल हो जाएगा, टोकोफेराल में बंधता, साइनोकोबालेमिन जो होता है घातक, रक्त अल्पता और पायरेडॉक्सिन मानसिक व्याधि। क्वेश्चन नंबर 15, सूची ए को दो के साथ सुमेलित कीजिए। ए है और सही उत्तर का आपको चयन करना है। ए है विटामिन B12, मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन, कोबाल्ट, क्लोरोफिल, तांबा और पीतल, लोहा। कूट ए 2, 4, 1, 3। बी है 2, 1, 3, 4। सी है 4, 1, 2, 3 और डी है 3, 4, 2, 1। तो बताइए कौन सी अणु किस तत्व में उपस्थित होता है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन में 15 का आंसर ए बी सी डी में इसका राइट आंसर। चलिए आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर सभी लोग टिक कर लीजिए, आंसर है आपका ए है। ठीक है, कौन सा है? ए है विटामिन B12, कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन लोहा, क्लोरोफिल मैग्नीशियम, पीतल में तांबा। तो यहाँ पर आंसर है ए है, सब लोग सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ए दूध में कोई भी बी विटामिन नहीं होता, बी है विटामिन ए के अभाव कारण त्वचा शुष्क तथा शल्की हो जाती है, सी है जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों में से एक है और डी है विटामिन B1 के अभाव में हृदयघात हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है। चलिए आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का सभी लोग आंसर टिक कर लीजिए, आंसर है आपका बी। ठीक है, आंसर सॉरी ए है। दूध में विटामिन B1, B2, नियासिन, B6, B12, अतः कथन ए आपका यहाँ पे सही नहीं है, बाकी अन्य यहाँ पर कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 18, मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरीन और टायरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए। कथन दूसरा है, अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते। कूट क्या कहता है? यार दोनों सही हैं, आर्य का सही स्पष्टीकरण है। यार दोनों सही हैं, आर्य का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन 18 का आंसर ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है। चलिए आंसर चेक कर लीजिए। क्वेश्चन 18 का सभी लोग आंसर है आपका डी है। क्या है? डी है ग्लाइसिन, सेरीन तथा टायरोसिन जो होते हैं अमीनो अम्ल हैं, अतात्विक हैं वो भी, साथ ही मानव शरीर में निर्मित होते हैं। स्तनियों में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल में से 11 जो होते हैं अतात्विक अनिवार्य हैं, अनिवार्य हैं और अमीनो अम्ल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। शेष 9 का यहाँ पे स्तनी से भोजन से ही प्राप्त करते हैं और इन्हें तात्विक कह सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते। तो आंसर है इसका डी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? ADP AMP आई थिंक यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन यहाँ पे एक ही सब टाइप कर दिया है। चलिए इस क्वेश्चन को ड्रॉप करते हैं, इसका आंसर जो है वो मैं बता देता हूँ। देखिए, मानव शरीर द्वारा विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा है रासायनिक यौगिक एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि ATP है। ठीक है, और इसके जो विघटन होता है विघटन ATP के जल विघटन के फलस्वरूप यहाँ पर ATP का रूपांतरण जो होता है वो हो जाता है आपका ADP में यानी कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट तथा कार्बनिक अकार्बनिक फॉस्फेट में हो जाता है। इस प्रक्रिया से जो मुक्त ऊर्जा होती है वो शरीर के उत्कों जैसे मांसपेशियों द्वारा प्रयोग की जा सकती है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये पूरी प्रक्रिया आप नीचे यहाँ पर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है रक्त के द्वारा, फुसफुस के द्वारा, उत्कों के द्वारा। अभिगमन का सही अनुक्रम 1, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 2। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। चलिए आंसर चेक करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे आंसर है, सभी लोग मिलान करेंगे, आंसर है आपका सी। मानव शरीर में ऑक्सीजन अंतःश्वास तथा फेफड़ों तक पहुँचती है।
फेफड़ों में वायु कोष्ठ पाए जाते हैं जो रुधिर की कोशिकाओं में घिरे रहते हैं। इन कोशिकाओं में ऑक्सीजन वायु कोष्ठक से प्रवेश कर जाती है तथा CO2 में विपरीत दिशा से गति कर जाती है। लाल रुधिर कणिकाओं में मौजूद हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन के वाहक का कार्य करता है और इसके शरीर के यहाँ पे उत्को तक पहुँचाने का कार्य करता है। तो आंसर है आपका सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है बताना है आपको। आंसर कोई ऑप्शन है, पौधे की पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ, बोन मैरो में पाया जाने वाला पदार्थ, मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ, पिट्यूटरी ग्रंथ से निकलने वाला स्राव। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए, ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 21, चलिए आंसर चेक कर लीजिए सभी लोग। आंसर है आपका सी। ठीक है, क्या है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो मानव शरीर में रक्त में पाया जाता है। रासायनिक इसका संयोजन ग्लोबिन नामक प्रोटीन से हीम जो होता है इसका लाल रंग के पदार्थ से जुड़ जाता है और रुधिर का जो रंग होता है वो लाल किसके कारण होता है, हीम के कारण होता है। हीम की जो वलय रिंग के केंद्रीय भाग में लौह का पार्ट होता है। एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की जो औसत मात्रा है 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर में होती है। यह शरीर में गैसों के परिवहन का कार्य भी करता है। आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 22, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है, RBC, WBC, रक्त प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए, कौन सा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, चलिए आंसर चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का सभी लोग मिलान कर लीजिए, आंसर है आपका बी है। क्या है आंसर, बी है। WBC विशेष रुधिर कणिकाओं हैं जो कि शरीर के किसी रोग में संक्रमित होने पर विशेष संक्रमित साल पहुंचकर हानिकारक जीवाणुओं और विषाणुओं को कवक इत्यादि का भक्षण करके शरीर के संक्रमण की सुरक्षा करती हैं। इसके अलावा ये शरीर के प्रतिरक्षण, एलर्जी और अति संवेदनशीलता की स्थिति में भी महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। तो सभी लोग आंसर मिलान करिए, आंसर है आपका बी। नेक्स्ट, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है, एपेप्सिन, माल्टोज, थाम्ब्रिन या प्रोथ्राम्बिन। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए, ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है। चलिए आंसर चेक करेंगे सभी लोग, यहां पर अपना अपना आंसर मिलान कर लीजिए। आंसर है आपका सी। रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है जो 3 चरणों में होती है और अंतिम चरण में यहाँ पे थ्रोम्बिन के एंजाइम की भांति कार्य करके प्लाज्मा की घुलनशील फाइब्रिनोजन प्रोटीन के फाइब्रिन नामक अघुलनशील प्रोटीन के संश्लेषण करता है और रुधिर अस्कंदन की क्रिया का प्रतिक्रिया स्पष्ट यहाँ पर करता है। तो आंसर यहाँ पे है, हवेल ने दिया था इसको, आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 24, किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, पहला, धमनियों की तुलना में शिराओं की संख्या कम होती है और उनमें हर समय शरीर के रक्त की कम मात्रा रहती है, बी, रक्त की कुल मात्रा का लगभग 70% रक्त कोशिकाओं के रूप में होता है, सी, श्वेत रक्त कोशिकाएं केवल लश्का पर्व की बनी होती हैं, डी, रक्त में WBC की तुलना में बिंबाणु अधिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए, ABCD में इसका राइट आंसर क्या है। चलिए आंसर चेक कर लीजिए, आंसर सभी लोग यहाँ पर देखिए, आंसर है आपका डी। ठीक है, WBC ल्यूकोसाइट्स की तुलना में या कह सकते हैं कि रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या अधिक होती है और जबकि RBC जो होती है अपेक्षाकृत कम होती है। लाल रुधिराणुओं की औसत संख्या पुरुषों में 54 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर, रक्त या स्त्रियों में 48 लाख होती है, जबकि यहाँ पर अगर हम श्वेत रुधिराणु की बात करें 5,000 से लेकर 11,000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर रक्त होता है, जबकि रुधिर प्लेट्स की संख्या जो होती है 1.5 से 5 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर रक्त होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 25, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में कौन सा पदार्थ जमा होता है, शरीर में वसा होती है, प्रोटीन जमा हो जाती है, रक्त में शर्करा जमा हो जाती है या रक्त में आपको नत्रजन अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए, ABCD में इसका राइट आंसर क्या है।
चलिए आंसर चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर सभी लोग यहाँ पर टिक कर लीजिए, आंसर है आपका डी है। ठीक है, शरीर में उपापचय के दौरान बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, इन्हें नत्रजन या अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिकम। विक्र यानी कि किडनी अधिक अति सूक्ष्म निषेधन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया के द्वारा इन्हें रुधिर से अलग कर मूल रूप से बाहर निकालने में सहायक होता है। तो आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 26, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, कशेरुक रज्जु या तंत्रिका कोशिका? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए, एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए आंसर चेक कर लीजिए, 26 का आंसर आपका है सी है। ठीक है, आंसर क्या है? सी है। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है, इसमें हम स्टिमुल्स को ग्रहण करते हैं जिसे उद्दीपन कहते हैं, तथा स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रियाएं दो श्रेणियां की हैं, पहला अनकंडीशनड, दूसरा अनुबंधित यानी कंडीशनड। प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा हमारा पैर कांटे पर पड़ने पर हम पैर को पीछे की ओर खींच लेते हैं, ऐसी कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं आप देखते हैं। तो आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 27, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्न किस भाग में अब स्थित है? अग्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, मेडुला, ऑप्टिक लोब? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए, एबीसीडी में राइट आंसर क्या है? चलिए आंसर है सभी का, यहाँ मिलान करेंगे, आंसर है आपका बी। ठीक है, भूख प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार ताप नियंत्रण, प्यार घृणा आदि का जो केंद्रबिंद है मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है। रक्तदाब जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा आदि के द्वारा नियंत्रित होता है, या अंतःस्रावी ग्रंथियों स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण भी करता है। तो आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 28, सूची एक और दो को सम्मिलित कीजिए और सही कूट का यहाँ पर चयन कीजिए। हार्मोन और स्रावित ग्रंथियाँ हैं, हार्मोन कौन कौन से हैं? प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन, इंसुलिन। स्रावित ग्रंथि थायरॉयड, अग्नाशय, गर्भाशय, वृषण। कूट कहता है 3-4-1-2, बी है 4-3-1-2, सी है 3-4-2-1 और डी है 1-2-3-4। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए, एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 28, चलिए आंसर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है यहाँ पर ए है। ठीक है, आंसर क्या है आपका? ए है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन महिलाओं के मासिक धर्म चक्र और गर्भावस्था संबंधित है, टेस्टोस्टेरोन पुरुष के वृषण से स्रावित होता है, थायरॉक्सिन थायराइड से और इंसुलिन अग्नाशय के द्वारा स्रावित हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 29, सूची एक और दो को सम्मिलित कीजिए। हार्मोन और उनके कार्य दिए हुए हैं। सूची एक में देखें इंसुलिन, मेलाटोनिन, ऑक्सीटोसिन और गैस्ट्रिन दिया है। सूची दो में जो कार्य हो रहे हैं, रक्त शर्करा का नियंत्रण, निद्रा का नियंत्रण, स्तन ग्रंथ से दुग्ध का निश्रण और रक्तचाप का निर्माण। कूट क्या कहता है? ए है 3-4-1-2, बी है 4-3-1-2, सी है 3-4-2-1, डी है 1-2-3-4। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए, ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए आंसर टिक करिए। क्वेश्चन नंबर 29 का यहाँ पे आंसर है आपका डी है। ठीक है, गैस्ट्रिक पेप्टाइड हार्मोन जो हमारे कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिक अंग के द्वारा उद्दीपित करता है, तो आंसर यहाँ पर जी जो है वहाँ पे सही सम्मिलित नहीं है। सूची एक और दो को यहाँ पे मिलान करना है आपको। ठीक है, तो आंसर देखिए, एंड्रेनालिन है, हिस्ट्रोजन है, इंसुलिन है, फेरामोन है, और दूसरी तरफ आपका सूची दी हुई है क्रोध है, गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना, स्त्रियाँ, ग्लूकोज। तो यहाँ पर आंसर कूट देखते हैं, ए है 3-4-1-3-1-4-2, बी है 1-3-2-4, सी है 1-3-4-2 और डी है 3-1-2-4। तो सूची एक को दो सम्मिलित कीजिए और ये बताइए कि कौन सा यहाँ पर कूट सही है।
चलिए आंसर देखते हैं। आंसर यहाँ पे देखिए, सभी लोग मिलान करिए, आंसर है आपका सी है, ठीक है, जिसमें एंड्रेनलिन, क्रोध और भय का, एस्ट्रोजन स्त्रियाँ, इंसुलिन, ग्लूकोज और फेरामोन गंध के वो साथी को आकर्षित करना, आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 31, पहला, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, इन पर विचार करना है आपको। दूसरा, इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारी होता है। तीसरा, इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ये गुण विशिष्ट हैं किसके, यकृत, प्लीहा, अग्न्याशय, लार ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए, 1, 2, 3 में इसका राइट आंसर क्या है। चलिए आंसर यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर सभी लोग यहाँ पे टिक करेंगे, आंसर है आपका ए है, सॉरी सी है यहाँ पर, ठीक है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि अग्न्याशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्न्याशय से अग्न्याशय रस स्रावित होता है जो क्षारी होता है, और इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, तो आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 32, कथन है, सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। कारण आर, तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए, ए आर दोनों सही हैं, और ए सही स्पष्टीकरण आर है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। डी, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए, ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है। चलिए आंसर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या है। 32 का आंसर देखिए, यहाँ पर आंसर है आपका सी है। मेलाटोनिन निद्रा जगाने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, यह केवल रात में निकलता है। मेलाटोनिन मानव मस्तिष्क में दोनों कानों के बीच में पिनेलियन जो ग्लैंड होती है वहीं से थोड़ी मात्रा में निकलता रहता है, बाद में रक्त में मिल जाता है। पिनियल जो ग्लैंड है सीधे आंखों से जुड़ी होती हैं, और इस ग्रंथ पर प्रकाश तथा अंधकार का सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे शाम होती जाती है मेलाटोनिन का स्राव शुरू होता है, और इसे रात का हार्मोन भी हम कहते हैं। सामान्यतः प्रकाश में इसका स्रोत स्राव नहीं हो पाता है, इसलिए आंसर आपका है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? अपने परिवर्धन के प्रथम सप्ताह में, अपने परिवर्धन के तृतीय सप्ताह में, अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में, अपने परिवर्धन के छठे सप्ताह में। तो मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए, ए बी सी में इसका राइट आंसर क्या है। चलिए आंसर देख लेते हैं, आंसर देखिए यहाँ पर है आपका सी है, ठीक है। आंसर क्या है? सी है। मानव भ्रूण का हृदय अपने परिवर्धन के चतुर्थ या पंचम सप्ताह में स्पंदन करने लगता है। भ्रूणी विकास के तीसरे आठवें सप्ताह को भ्रूण विकास काल कहते हैं, क्योंकि यह अंग विकास का मुख्य समय होता है। तीसरे महीने में जन्म के समय तक भ्रूण काल को कहते हैं, और जिसमें उत्तकों अंगों का परिपक्वता तथा शारीरिक वृद्धि होती है, तो आंसर है आपका सी। तो आज के यहाँ पे हमने आज सेशन यहीं तक रखेंगे। आज के हमने सारे प्रश्न यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिए हैं। आज के किसके कितने सही हुए, कितने कितने रॉन्ग हुए हैं, कितने इसने स्किप किए हैं। सेशन समाप्त होने के बाद आज आप मानव जो तंत्र है, एक बार फिर से इसके सभी टॉपिक्स का एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। कल यहाँ पर फिर से कुछ और टॉपिक्स के साथ यहाँ पर पौधों और उससे संबंधित कार्यक्रम को लेकर आएंगे, और उनसे संबंधित प्रश्नों का हम रिवीजन कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।